उसके घर में हो गई है बड़ी बगावत। शिल्पा ने दिया करणवीर मेहरा को धोखा अपने दूसरे बेटे के लिए, दीप छोटे बेटे की बलि, और रजत दलाल ने की बड़ी लड़ाई करणवीर मेहरा के साथ, भिड़ गए रजत दलाल। विवेन सिन्हा सुनकर हो गए शॉक, आखिर शिल्पा ने क्यों दिया करणवीर को धोखा। करणवीर मेहरा के निकले आंसू, शिल्पा को लेकर हुए इमोशनल, बोली अपने दिल की बात। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस का वीकेंड का वार खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस के वीकेंड के वार खत्म होते ही घर में बड़ा बवाल मच गया है। शिल्पा ने दिया है अपने ही बेटे को धोखा। दरअसल करणवीर मेहरा और विवेन सिन्हा को अपना लाडला मानती हैं शिल्पा, और सभी को पता है कि शिल्पा का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से ही करणवीर मेहरा की तरफ रहा है। लेकिन जैसे ही बात विवेन की आती है, टाइम गॉड चुनने की आती है, शिल्पा ने हमेशा से ही विवेन का पक्ष लिया है, और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हर्ट कर गई है। करणवीर ने शिल्पा से कहा कि शिल्पा जी, मुझे ये बातें बहुत हर्ट हुई है, और यही हर्ट होने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा पूरा गेम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, किसका कितना साथ देना है। जिसके ऊपर रिप्लाई करते हुए शिल्पा ने कहा कि देखो करण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उतना ही प्यार तुमसे करती हूँ जितना कि विवेन से करती हूँ। विवेन अगर मेरा लाडला है तो तुम भी मेरे लाडले हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो। जिसके बाद करणवीर मेहरा और शिल्पा की बात जो है वो रजत दलाल ने बता दी है विवेन सिन्हा को, और विवेन सिन्हा एक बार फिर ये कहते नज़र आए हैं कि मिट्टी का तेल है करणवीर मेहरा, वो जहां गिरेगा वहां आग लगाएगा। करणवीर मेहरा और विवेन सिन्हा में फूट डालने की रजत ने कोशिश की है। रजत ने जाकर विवेन सिन्हा से वो बात का खुलासा किया कि करणवीर मेहरा किस तरीके से शिल्पा को विवेन के खिलाफ ही भड़का रहा है, अपने ही घर में एक बड़ी लड़ाई की साजिश कर रहा है करणवीर मेहरा। जिसके बाद सुनते ही कहीं ना कहीं विवेन सिन्हा को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विवेन जो है वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है शिल्पा के। विवेन को भी ये बात पता है कि शिल्पा उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती है। जब बात करणवीर और शिल्पा की आएगी, विवेन की आएगी, तो शिल्पा हमेशा ही विवेन का साथ देंगी, और यही बात रजत दलाल ने जाकर करणवीर मेहरा से कह दी। जिसके बाद करणवीर मेहरा और शिल्पा ने बगावत कर दिया है। टाइम गॉड की बात न सुनकर रजत दलाल से ले लिया है करणवीर मेहरा ने बड़ा पंगा, और घर में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। एक तरफ तो विवेन ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि करणवीर इस तरीके से बात करेगा मुझे, हाँ ये उम्मीद तो पक्का थी कि वो मिट्टी का तेल है, वो जहाँ भी गिरेगा वो आग ज़रूर लगाएगा। लेकिन ये जो भी कर रहा है करणवीर, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत कर रहा है। शिल्पा जी का इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर करणवीर मेहरा को उन्होंने ना बनाकर मुझे अगर टाइम गॉड चुना, तो मुझे लगता है मुझे में वो काबिलियत थी, मुझ में वो वरा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम गॉड चुना गया। लेकिन करणवीर मेहरा को आज तक ये बातें हर्ट कर रही हैं, तो वो बिग बॉस में आगे गेम कैसे खेलेगा। अविनाश मिश्रा से बात करते हुए विवेन ने कहा कि मुझे लगता है कि करणवीर को वो सारी बातें भूल जानी चाहिए, और करणवीर को यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। शिल्पा जी लगातार मैच्योरिटी दिखा रही हैं, और शिल्पा दोनों तरफ कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहती है। वो ना ही करणवीर को छोड़ना चाहती हैं और ना ही विवेन सिन्हा को। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, इस पूरी लड़ाई पर आपका क्या है कहना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।